या इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है या मेन स्ट्रीम मीडिया जो कुछ करता है या जो कल से शोर मचा हुआ है तारिक जमील साहब के बयान के बाद, वो आपको मैंने चीज़ें पिछली वीडियो में बताई थी। इस वीडियो में मैं चंद एक खबरें आपको बताऊंगा जो ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसी 2019 और 20 की खबरें हैं जो मीडिया ने झूठी चलाई, जो फेक खबरें फैलाई हैं। फेक खबर फैलाने का मकसद क्या होता है कि हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगंडा किया जा सके, फिजा जो है उनके खिलाफ की जा सके, या जो इनके अपने मास्टर्स हैं उनको फ़ायदा दिया जा सके, या जिन लोगों के साथ इनका गठजोड़ होता है उनके जो हक में जो है लॉबिंग की जा सके। तो चंद एक खबरें हैं वो सबूत के साथ मैं आपके सामने रखता हूं और आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जनवरी 2020 के अंदर जो मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत नौकरियां नहीं दे सकती, चैनल 24 ने यह खबर चलाई। इसके अलावा नेपरा ने कहा कि इस साल डॉलर 172 रुपए का हो जाएगा। बिजनेस रिकॉर्ड ने भी यह खबर दी, अरशद शरीफ ने ARY पे खबर दी और फखर दुरानी जो जियो का साफी है उसने भी यह खबर दी। अब आप खुद देख सकते हैं कि डॉलर 172 का हुआ या नहीं हुआ। और इमरान खान ने जो नौकरी का कहा कि नौकरियां नहीं दे सकता, उस पूरे बयान को अगर आप सुने तो वह भी आपको पता लग जाएगा कि वो बयान क्या था। फिनलैंड में 4 दिन काम करने की खबर कुछ मीडिया चैनल्स ने शाया की, जिसमें एक्सप्रेस, समा और चैनल 24 शामिल थे। इसके अलावा शबर जैदी और रफीस शेख में लड़ाई हुई है, जंग अखबार और शहबाज राना जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून से, उन्होंने खबर दी। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया, गुल बुखारी ने यह ट्वीट की जिसको इंडियन साइट ने भी शाया किया। फवाद चौधरी पंजाब हुकूमत पर बर्स पड़े, ये एक्सप्रेस न्यूज़ ने खबर शाया की। इसके अलावा काफ लीग उस्मान बुज़दार से नाराज़ है, चैनल 92 ने यह खबर शाया की। वज़ारत आला पंजाब अमली तौर पर काफ लीग के सपुर्द कर दी गई, जियो न्यूज़ ने यह खबर शाया की। गैस की कीमत में 15% इजाफा, डॉन न्यूज़ और रऊफ कलासरा ने यह खबर शाया की। गैस की कीमत में 214% इजाफे की समरी तैयार, दुनिया न्यूज़ ने यही खबर दिसंबर में भी दी थी और उसके बाद दोबारा 2020 फरवरी में भी दी। सदर पाकिस्तान को आटे के बहरान का इल्म ही नहीं, डॉन न्यूज़, नवाए वक्त और दुनिया न्यूज़ ने यह खबर दी। टीवी लाइसेंस की फीस 25 से 100 रुपये कर दी गई, डॉन ने यह खबर दी और सोशल मीडिया पे हर तरफ ये वायरल होती रही। मैं खुद पहले यह खबर पढ़ने के बाद थोड़ा डिस्टर्ब हुआ कि यह क्या खबर है, लेकिन जब मैंने इसको आज़ाद ज़राए से क्रॉस चेक किया तो मालूम हुआ कि यह खबर झूठी है। डेरा बुगटी कॉलेज के वाशरूम में कैमरे नस्ब, ये गुल बुखारी साहिबा ने खबर दी थी। 2019 में पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई, अंसार अब्बासी ने यह खबर दी। महंगाई पे मिस गाइड किया जा रहा है, वज़ीर आज़म, ये जियो न्यूज़ ने खबर दी। वज़ीर आज़म मुआशी टीम पे बरहम हो गए, जियो न्यूज़ ने यह खबर दी। यूट्यूब पे फीस लागू की जा रही है, रऊफ कलासरा साहब ने इस पर बहुत शोर मचाया, बहुत प्रोपेगंडा किया। वज़ीर आला पंजाब के सेक्रेटेरिएट में हर वक्त 717 अफसर मौजूद होते हैं, पब्लिक न्यूज़ ने यह खबर दी थी। वज़ीर आज़म की तनख्वाह में इजाफा कर दिया गया, ये न्यू न्यूज़ ने खबर दी थी। इसके अलावा कुछ दिन पहले की बात है कि रऊफ कलासरा साहब ने कोई 1000 ट्वीट्स कर दिए, इवन कि उन्होंने अपना वी लॉग कर मारा, कालम में भी ये बात लिख मारी कि जी हुकूमत जो है उन्होंने, बल्कि PTI के लिए इन्होंने जो अपना जो सेल है वो एक मीडिया सेल बनाया है जिसमें बहुत सारे लोग रखे जा रहे हैं और ये 42 मिलियन की टीम है। ये रऊफ कलासरा साहब इस पे शोर मचाते रहे हैं कि जी हुकूमत ने 42 मिलियन की एक टीम भर्ती की है जिसका काम सहाफ़ियों को गालियां देना है ताकि हुकूमत के खिलाफ खबरें ना चलाई जाएं। सिद्दीक जान ने कुछ दिन पहले इस पर पूरा वीलॉग करके बताया है कि ये लोग इसमें पहले रखे हुए थे जो बगैर समरी रखे गए थे, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उन लोगों को निकालने का कहा, इन लोगों को निकाल दिया गया, सिर्फ 2 महीने इन्होंने काम किया और इमरान खान साहब ने कहा है कि इसका बाकायदा इश्तहार जारी किया जाए और जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो इसमें सामने हैं और ये जो लोग होंगे, ये जो सोशल मीडिया टीम्स होंगी, ये हर मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेशन करके काम करेंगी, जिनका मकसद हुकूमत और इदारे और जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है उसको लोगों तक पहुंचाना होगा, ना कि इसका मकसद हुकूमत का दिफा करना होगा या जो PTI है ना कि उसका दिफा करना होगा। तो रऊफ कलासरा साहब की यह खबर गलत साबित हुई, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा भी माफ़ी मांगने की कोई जो है वो जुर्रत नहीं की, लेकिन ये मुतालबा ये कर रहे हैं कि जी तारिक जमील साहब माजरत करें, तारिक जमील साहब माफ़ी मांगे कि उन्होंने ये क्यों कह दिया कि जी मीडिया झूठा है या कसीर अफराद जो है वो झूठ बोलते हैं या मीडिया जो है इसके अंदर झूठ का जो वो दौर दौरा है, इनको इस बात से बहुत मसला हो रहा है। लेकिन किसी एक सहाफ़ी, शायद कोई अल्लाह का वली कोई सहाफ़ी ऐसा होगा जिसने कोई ख़बर गलत दी और उसके बाद साबित होने पे उसने कोई सॉरी या माफ़ी मांग ली हो। एक और चीज़, मंसूर अली ख़ान पाकिस्तानी सोशल मीडिया की सबसे ज़्यादा नापसंदीदा शख्सियत बन चुके हैं पिछले 2.5 से 3 साल के अंदर, और उसकी वजह क्या है, हुकूमत के खिलाफ प्रेपोगंडा और झूठी खबरें ट्वीट्स कर करके प्रोग्राम्स कर करके लोगों से गालियां खा के मंसूर अली खान इस वक्त सोशल मीडिया की सबसे ज़्यादा नापसंदीदा शख्सियत बन चुके हैं। उन्होंने ये एजाज़ हामिद मीर और तलत हुसैन से भी छीन लिया और उसकी वजह ही सिर्फ ये है कि उन्होंने झूठी खबरें दी।
इन्होंने झूठी ट्वीट्स की, इन्होंने मैनिपुलेटेड जो हैं वो बयानात चलाए, कभी मेरे कप्तान करके तंज किया, कभी कुछ करके तंज किया, झूठी खबरें जो अपनी पसंद की इनमें अखबार से मिलती थी उसको ट्वीट कर देते थे, जो खबर पूरी होती थी वो ट्वीट नहीं करते थे, आधा क्लिप ट्वीट कर दिया इस तरह। और जंग ग्रुप के आप लोग देख लें कि ये सहाफत हो रही है कि इमरान खान को कहना कि जी ये वो कीना परवर है, इसके अंदर बोग्स है, ये डिक्टेटर है, ये बदतरीन शख्स है, ये आमिर है, ये खुद पसंद है, ये ऐसा है, ये सहाफत हो रही है। और ये वो सहाफत है जिसको लेके ये लोग शोर मचा रहे हैं कि जी सहाफत बड़ा मुकद्दस पेशा है, इसके बारे में तारिक जमील साहब ने बात क्यों कर दी। तो इसके बारे में एक छोटे से जुमले में सम अप करना चाहूंगा कि जिसकी दाढ़ी में तिनका है, या वो जो एक मिसाल है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो फिर जिसको तिनका है वो शोर मचा रहा है। मैंने तो नहीं कहा कि तारिक जमील साहब ने गलत बात की, मैं तो खुद मीडिया में रह के 5 साल ये चीज़ें देख चुका हूँ कि मीडिया किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, अपनी मनपसंद चीज़ों को किस तरह से प्रमोट करता है, और जो पसंद की नहीं होती उसको दबा दिया जाता है, यानी सिलेक्टिव सच बोले जाते हैं, सिलेक्टिव झूठ बोले जाते हैं, सिर्फ वो खबरें दी जाती हैं जिसमें चैनल का अपना फ़ायदा हो, और इस फायदे को वो रिलेट कर लेते हैं सियासतदानों के साथ, क्योंकि जाहिर है सियासतदान ने अगर उन पर कुछ पैसे लगाए हैं या कोई मफाद जुड़ा हुआ है तो वो खबर चलाई जाएगी, इसके अलावा जिससे उनको कोई फ़ायदा नहीं है तो वो खबर नहीं चलाई जाएगी। तो ये शोर मचता रहेगा, ये सच जो हैं इनके अपने और इनके अपने झूठ जारी रहेंगे। तारिक जमील साहब जो हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने मीडिया के अंदर बैठ के, सामने बैठ के ये बात कर दी, बड़ी बेहतरीन बात है। उन्होंने तो एक मीडिया मालिक के बारे में ये बात की, तो मैं कहता हूं तकरीबन हर मीडिया मालिक जो है वो यही चीज़ इस चीज़ पर कारबंद है, इसी असूल पर कि उसे पता है कि वो झूठ जो है अगर उसको छोड़ देगा तो उसका चैनल लोग देखने ही छोड़ देंगे, अगर वो सनसनी फैलाना छोड़ देगा तो उसका चैनल लोग देखने ही छोड़ देंगे। सच के साथ जो है वो लोगों को सच जो है वो इंटरेस्टेड नहीं लगता, या इन लोगों ने खुद लोगों को आदत डालती है कि जब तक सनसनी नहीं होगी, जब तक झूठ नहीं होगा, तो लोग जो है वो TRP नहीं देते, वो चैनल नहीं देखते। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। एक दफ़ा फिर से मैं ये दुआ करता हूँ कि आप, मैं या कोई भी है, अल्लाह पाक हम सबको जो है सच बोलने की तौफीक दे, हमें सच और झूठ में जो निखार है या जो इसमें डिफरेंस है वो करने की तौफीक दे। आज तक के लिए बस इतना ही, अल्लाह। या इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, या मेन स्ट्रीम मीडिया जो कुछ करता है, या जो कल से शोर मचा हुआ है तारिक जमील साहब के बयान के बाद, वो आपको मैंने चीज़ें पिछली वीडियो में बताई थी। इस वीडियो में मैं चंद एक खबरें आपको बताऊंगा जो ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसी 2019 और 20 की खबरें हैं जो मीडिया ने झूठी चलाई, जो फेक खबरें फैलाई हैं। फेक खबर फैलाने का मकसद क्या होता है कि हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा सके, फिजा जो है उनके खिलाफ की जा सके, या जो इनके अपने मास्टर्स हैं उनको फ़ायदा दिया जा सके, या जिन लोगों के साथ इनका गठजोड़ होता है उनके जो हक में जो है लॉबिंग की जा सके। तो चंद एक खबरें हैं वो सबूत के साथ मैं आपके सामने रखता हूँ और आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जनवरी 2020 के अंदर जो मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत नौकरियाँ नहीं दे सकती, चैनल 24 ने यह खबर चलाई। इसके अलावा नेपरा ने कहा कि इस साल डॉलर 172 रुपए का हो जाएगा। बिजनेस रिकॉर्ड ने भी यह खबर दी, अरशद शरीफ ने ARY पे खबर दी, और फखर दुरानी जो जियो का साफी है उसने भी यह खबर दी। अब आप खुद देख सकते हैं कि डॉलर 172 का हुआ या नहीं हुआ, और इमरान खान ने जो नौकरी का कहा कि जी नौकरियां नहीं दे सकता, उस पूरे बयान को अगर आप सुने तो वह भी आपको पता लग जाएगा कि वो बयान क्या था। फिनलैंड में 4 दिन काम करने की खबर कुछ मीडिया चैनल्स ने शाया की, जिसमें एक्सप्रेस, समा और चैनल 24 शामिल थे। इसके अलावा शबर जैदी और हफीज शेख में लड़ाई हुई है, जंग अखबार और शहबाज राना जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून से, उन्होंने खबर दी। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार से ज़बरदस्ती इस्तीफा लिया गया, गुल बुखारी ने यह ट्वीट की, जिसको इंडियन साइट ने भी शाया किया। फवाद चौधरी पंजाब हुकूमत पर बर्स पड़े, ये एक्सप्रेस न्यूज़ ने खबर शाया की। इसके अलावा काफ लीग उस्मान बुज़दार से नाराज़ है, चैनल 92 ने यह खबर शाया की। वज़ारत आला पंजाब अमली तौर पर काफ लीग के सपुर्द कर दी गई, जियो न्यूज़ ने यह खबर शाया की। गैस की कीमत में 15% इजाफा, डॉन न्यूज़ और रऊफ कलासरा ने यह खबर शाया की। गैस की कीमत में 214% इजाफे की समरी तैयार, दुनिया न्यूज़ ने यही खबर दिसंबर में भी दी थी और उसके बाद दोबारा 2020 फरवरी में भी दी। सदर पाकिस्तान को आटे के बहरान का इल्म ही नहीं, डॉन न्यूज़, नवाए वक्त और दुनिया न्यूज़ ने यह खबर दी। TV लाइसेंस की फीस 25 से 100 रुपये कर दी गई, डॉन ने यह खबर दी, और सोशल मीडिया पे हर तरफ ये वायरल होती रही। मैं खुद पहले ये खबर पढ़ने के बाद थोड़ा डिस्टर्ब हुआ कि ये क्या खबर है, लेकिन जब मैंने इसको आज़ाद ज़राए से क्रॉस चेक किया तो मालूम